नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का वार्ता एप्टी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सोनभद्र की खबर। सोनभद्र पहुंचे कांग्रेस प्रभारी गिरीश गर्ग का कांग्रेसियों ने किया स्वागत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संगठन में कर रही है फेरबदल। निष्क्रिय लोगों को बाहर कर नए लोगों को मौका दे रही है कांग्रेस। ओबरा बीआईपी रोड पर कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राम राज गौड़ व प्रदेश कांग्रेस सदस्य ईश्वरी नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक। जिले में कांग्रेस को शहर शहर गांव गांव मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों का चयन। ओबरा नगर अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा को बनाया गया। कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश में संगठन के नव सृजन का काम जारी है। उसी कड़ी में ओबरा विधानसभा की जिम्मेदारी हुई है और उसी तारतम्य में आज ओबरा नगर में नगर कमेटी के लिए राकेश मिश्रा जी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके लिए ही हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। अच्छा, कांग्रेस क्या संगठनों में फेरबदल करने जा रही है क्या? फेरबदल नहीं, संगठन को हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि वो चुनाव के समय जो लोग निष्क्रिय हैं उनको अभी बदलने का भी काम चल रहा है। उसी कड़ी में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको बदलने का भी काम। अच्छा, कांग्रेस का भी एक कैंप चल रहा है ट्रेनिंग वाला, इसमें क्या आप जानकारी? अभी कांग्रेस ने पूरे 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप लगाया था और वो 5 तारीख को कंप्लीट हो गया है। आने वाले अगले चरण में हम पूरे 700 कैंप करने का पूरे उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। उसी तारतम्य में अब हम असेंबली लेवल पर भी ट्रेनिंग का कैंप आयोजित करेंगे जिसमें असेंबली स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब लोग उसमें शामिल होंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और प्रियंका जी 3 महीने से उत्तर प्रदेश में आए नहीं, क्या कहना चाहिए? कहाँ नहीं उत्तर प्रदेश से, प्रियंका जी तो सभी जगह मौजूद है। कोई भी उत्तर प्रदेश की समस्या होती है तो उसको सबसे पहले प्रियंका गांधी जी ही उठाती हैं, तो ये कहना गलत है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल में है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के दिल में है, उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति के दिल में है जो आज उत्तर प्रदेश की नहीं ट्विटर पे तो है लेकिन जमीन पे नहीं है, ये आरोप है। मैंने आपको बताया कि प्रियंका जी हर उस किसान के दिल में है जो आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उससे जो पीड़ित है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही। मजदूर पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है, युवा पीड़ित है, हर व्यक्ति पीड़ित है। आज हम लोग एक बैठक के माध्यम से ओबरा विधानसभा के में जो भी हमारे संगठन है, संगठन में जो लोग निष्क्रिय हैं उनको हटा करके वहाँ पे नई जिम्मेदारी दिया जा रहा है, जिससे आज ओबरा में हमारे नगर अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी को हम लोगों ने नियुक्त किया और यहाँ के ओबरा के वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस हैं और हमारे बगल में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव सदस्य कृष्ण नारायण सिंह और हमारे ICC के कोऑर्डिनेटर ओबरा विधानसभा के प्रभारी गिरीश गर्ग जी और ओबरा विधानसभा के प्रभारी जिला कमेटी के महासचिव नागेश्वर पाठक जी सबके उपस्थिति में सबसे मौजूदगी में एक बैठक करके हम लोगों ने सबके सम्मति से ओबरा नगर की जिम्मेदारी राकेश मिश्रा जी ने आज दिया। आज उसी के उपलक्ष्य में बैठक था कि हमें जमीन तक हर वार्ड में बूथ तक हमें संगठन को मजबूत करना है और 2022 का चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने हमारे प्रभारी गिरीश गर्ग जी कंटिन्यू 6 महीने आपके ओबरा विधानसभा में गांव-गांव हम लोग साथ लग करके ओबरा कमेटी को मजबूत करेंगे और 2022 की